हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल बी टेक और आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आईफोन के बारे में कि आईफोन का प्राइस इंडियन मार्केट में इतना हाई क्यों होता है। तो चलिए करिए शुरुआत। सो फिर दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आईफोन का सबसे बड़ा मॉडल इस बार 1,45,000 रुपीज़ का आया है। इतने में तो लगभग दो या तीन नोट 9 आ जाए सैमसंग के। सो दोस्तों, इसका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों होता है? हर बार मतलब कि आईफोन का प्राइस बढ़ता ही रहता है। सो दोस्तों, इसके पीछे आता है एक फैक्ट जो कि है R&D का, मतलब कि रेटी एंड डिज़ाइन का। दोस्तों, जो चाइनीज़ कंपनी होती है वो अपने जो फ़ोन होते हैं उसमें कुछ भी इनोवेशन नहीं लाते हैं। जो आईफोन होते हैं वो हर बार कुछ ना कुछ इनोवेशन लाते हैं, जैसे कि स्मॉल चिन विद नॉच जो कि आईफोन में आया था, और उसके बाद पूरा बजट रेंज, फ्लैगशिप और साथ ही साथ मिड रेंज में भी कब्ज़ा कर दिया था नॉच एंड चिन ने। चिन तो कोई इतनी स्मॉल नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी हर एक कंपनी अपनी पूरी अटेम्प्ट कर रही है कि आईफोन की तरह लुक होनी चाहिए। जैसे कि आप देखते हो कि शाओमी ने तो कैमरा, जो पीछे वाला मॉड्यूल था आईफोन का, वो ही अपनी सीरीज़ में रेडमी सीरीज़ में यूज़ की है। जैसे कि आप देख सकते हो रेडमी नोट 5 प्रो जो कि उनका बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन था। क्या सच में ही जो एप्पल स्मार्टफोन होते हैं वो इतने मतलब कि महंगे होने चाहिए? सो दोस्तों, ये ओनली इंडिया में के लिए इतना प्राइस है। अगर आप मार्केट में जाए फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई में, तो प्राइस इतना नहीं है। इंडिया में लगभग हर एक एक्सेसरी के ऊपर एक्स्ट्रा प्राइस किया गया है एप्पल के द्वारा। सो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट आती है जो कि है इंडिया में आईफोन, मतलब कि हर एक आदमी इंडिया में डिमांड आईफोन की बहुत ही ज़्यादा करता है। जैसे कि आप देखते हो कि आईफोन 5 और 6 और रेड और आईफोन 4 भी अभी तक मतलब कि मार्केट में यूज़ कर रहे हैं लोग। मैंने अभी तक काफ़ी लोग देखे जो कि आईफोन 4 अभी तक यूज़ करते हैं। यार फ्रेंड्स, प्लीज़ स्टॉप दैट। नहीं लेना है तो इसी बजट में, इसी प्राइस में रेडमी, रियलमी जैसी कंपनियां बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन लाती है यार। अब तो ड्यूल कैमरा भी स्मार्टफोन इस प्राइस पे आता है। जैसे कि अभी आईफोन 4 की प्राइस थी 1600 या 1500 के रुपीज़ के बीच में, जिस प्राइस में कि रेडमी नोट 5 प्रो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन लाती है। और इसी के साथ अब रियलमी का भी आ गया 2 प्रो, वो इस प्राइस में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप आईफोन लेना चाहते हो तो न्यू आईफोन ले सकते हो। हाँ, प्राइस लगभग डिमांड की वजह से प्राइस पड़ी है इसकी। आईफाई सेक्टर मतलब कि जहाँ पर इंडिया में हर एक कंपनी लो प्राइस के ऊपर बढ़िया फ़ोन लाना चाहती है, वहीं पर आईफोन इंडिया में महंगे फ़ोन लाती है, क्योंकि इंडिया में अभी भी बिक रहे हैं वो पुराने फ़ोन जैसे कि आईफोन 4, आईफोन 5 एंड आईफोन 6, और यहाँ तक कि आईफोन 7 भी अभी तक बिक रहा है। जो आईफोन 6S था वो, उसकी तो स्क्रीन ही ख़राब थी, लेकिन फिर भी अभी तक बहुत बिका वो। अगर आईफोन लेना तो न्यू लो, वरना आईफोन की जगह पर आप एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर जंप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहे मेरा चैनल बी टेक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना। मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।